से पढ़ाकर उनको पता चला कि बच्चे को अगर कोई पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो 50 लाख 70 लाख की घूस मांगी जा रही है। हर चीज, हर पोस्ट का रेट फिक्स हो गया है, तो फिर मेहनत का क्या फायदा, शिक्षा का क्या फायदा? सालों से आप अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करते हैं कि जब वो शिक्षित हो जाता है और पोस्ट के लायक होता है तो पोस्ट मिलने के बजाय आपसे और कुछ मांगा जाता है। कल तो मुझे सुनने को मिला कि किसान से 2 बैल मांगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे घूस देने के लिए, तो उससे कहा चलो अपनी बैल ले आओ। तो ये परिस्थितियां हैं, आपकी ये सरकार है। अब आप ही को तय करना पड़ेगा कि आप 5 साल और यही सरकार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। जितनी मेहनत आप करते हो, कम से कम उतनी मेहनत तो नेताओं को करनी चाहिए कि नहीं? आप ईमानदारी से कमाते हो तो क्या आप ये आशा उम्मीद नहीं रख सकते कि आपकी सरकार भी ईमानदार होगी? बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की, झूठ की सरकार है। आप सोचिए कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपए में से आपके लिए कितना काम हो सकता था। मैं आपको बताती हूं, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 100 कर्नाटका में, 2,250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी, ईएसआई के 187 अस्पताल बन सकते थे, आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं है। इन्होंने जितना लूटा है उससे 30,000 क्लासरूम बन सकते थे। हर क्लासरूम में 10, 15, 20 बच्चे। आप सोच सकते हैं कि कितनी शिक्षा छीनी है बच्चों से इन्होंने। 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी इन पैसों से। 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे इन पैसों से। 30 लाख कर्नाटका के गरीब जनता को घर मिल सकते थे, उनका फायदा हो सकता था। लेकिन भ्रष्टाचार किया, लूटा, टैक्स लगाया किसानों पर भी, जीएसटी खाद पे, ट्रैक्टर पे, पेस्टिसाइड पे, डीजल के दाम बढ़ा दिए, खाद का मैंने कहा आपको कम कर दिया जो देते हैं, हर स्तर पर लूटा है और धोखा दिया है। जहां तक SC ST OBC की बात है, उन्होंने आपको बताया कि आरक्षण बढ़ाएंगे, यहां पे कर्नाटका में बोला बढ़ाएंगे। केंद्र में इनकी सरकार है, जब सरकार को का समय आया कि आरक्षण को बढ़ाने का काम करना है, संविधान में डालना है, तो 14 मार्च को मोदी जी की सरकार ने क्या कहा पार्लियामेंट में? कहा कि ये नहीं हो सकता है। तो यहां आपको कहा कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहां 4 साल के लिए कुछ नहीं किया, और उसके बाद जब समय आया तो कह दिया कि नहीं हो सकता। अब आप कांग्रेस की सरकार को देखिए, नाग मोहनदास कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, उस कमेटी ने कहा कि SC के लिए 15 से 17% तक बढ़ाना है आरक्षण। उसने कहा कि ST के लिए 3% से 7% बढ़ाना है। कब कहा? 4 साल पहले। 4 साल पहले कहा। 4 साल के लिए बीजेपी की यहां पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया के लिए। हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहने हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहने हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहनों ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए
8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में, लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए, तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे।